हेलो, वेलकम टू डास्टेक चैनल। ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर का बटन होगा, उस पर क्लिक करें और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से वीडियोज़ बाई मैसेज या बाई ईमेल जाती रहेंगी। तो चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। आज का हमारा ट्यूटोरियल है कि हम कैसे एक फ्लैश ड्राइव बनाएंगे अपने यूएसबी को। तो सबसे पहले आपके पास एक 8 GB यूएसबी होनी चाहिए या 4 GB होनी चाहिए। ज़्यादा अच्छी रहेगी कि अगर आपके पास 8 GB यूएसबी है तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और आपके पास दूसरा एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, रीफ्रेस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन के नीचे मैं लिंक दे देता हूँ, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको नेट से बिल्कुल फ्री में मिलेगा और हम ये सॉफ्टवेयर को अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देंगे, उधर से भी जाके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उधर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दूसरा, आपके पास एक ISO इमेज होना चाहिए जिससे आप अपनी USB को बूटेबल करेंगे। ISO इमेज बहुत ही लाजमी है। तो चलते हैं हम ISO कैसे डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिखेंगे www.sialkotihelper.ml, एंटर का बटन क्लिक करेंगे और वेबसाइट पे जाएंगे। इस वेबसाइट से आप फ्री में बहुत से सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम फ्यूचर में और ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो कि नेट से आपको बाय करने पड़ेंगे लेकिन हम इसमें फ्री में देंगे। तो ये है हमारे पास विंडोज 7 अनलिमिटेड 32 BT एंड 64 BT। तो 32 BT हम आज हम अपनी विंडो में 64 BT करेंगे, अपनी USB में 64 BT करेंगे। तो हम इस पर क्लिक किया, आप हमारा YouTube चैनल इधर से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वेबसाइट हमारी है, आप इधर से भी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें हमारी वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इधर अपना ईमेल दें और सबमिट पे बटन पे क्लिक करें और आप हमारा हमें इधर भी फॉलो कर सकते हैं। इधर हम जो भी सॉफ्टवेयर या वीडियोज़ अपलोड करेंगे आप तक उसका मैसेज पहुँचता रहेगा बाय ईमेल। तो हम इसे डाउनलोड करते हैं ISO को। अगर आपने 32 BT करना है तो 32 BT का भी सेम ही ये तरीका है और 64 BT का भी सेम ही तरीका है। ये देखें, ये 3.09 GB की है, ये 64 BT की है। और ये देखें, इधर से इधर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ये देखें, ये हमारा फेसबुक का, ये हमारा फेसबुक का पेज है। इधर भी आप लाइक के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल हमारा पेज जरूर लाइक करें। तो ये है 2.38 BT। इनमें फ़र्क ये है कि 64 BT की जो विंडो है उसमें हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कैमटीसा स्टूडियो हो गया और अडोब फोटोशॉप हो गया, अडोब फोटो CS6 हो गया। ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो हम 32 BT में भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन 32 BT में वो ज़्यादा अच्छी तरह रन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ इसलिए मैं 64 BT की ही विंडो बूटेबल करूँगा। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर लें। ये जो 32 BT है ये ज़्यादातर गेम्स और छोटे मोटे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए होते हैं या इंटरनेट वगैरह चलाने के लिए। तो 64 BT जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल अच्छे लोग यूज़ करते हैं। तो इधर हम ये देखें, ये 2.38 GB की है, ये आप इधर से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ये 32 BT की है और ये जो है 3.09 ये 64 BT की है इधर। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी आप डाउनलोड करेंगे तो एड ब्लॉकर अपना अगर आपने लगाया हुआ है तो उसको आप बंद कर लें ताकि आप आसानी से डाउनलोड। ये रिक्वायरमेंट जो दी हुई है ये देखें, नोट प्लीज़ डिसेबल एड ब्लॉकर, नो यू कैन ईजिली डाउनलोड। तो हम ये डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। ये
ये देखें, ये एक डाउनलोड पे क्लिक किया तो ये एक पेज ओपन हो गया। ये अगर आप पीछे इसको काटना चाहते हैं तो काट दें, मेरा नेट स्लो इसलिए मैं काट देता हूँ। तो ये एक ऐड लगी हुई है, अगर आपका ऐड ब्लॉकर बंद है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ वेट 5 सेकेंड, ये 5 सेकेंड के बाद इधर स्किप लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। ये देखें, ये स्किप ऐड पर क्लिक करें, ये आपको इधर किसी पे भी और क्लिक नहीं करना, अगर आप क्लिक करेंगे तो आप कहीं के कहीं चले जाएंगे। तो इसके ऊपर क्लिक किया स्किप ऐड पे, ये देखें डाउनलोड पे क्लिक किया और ये एक फाइल डाउनलोड हो गई। ये देखें 3.09 GB, ये देखें इसको हम डाउनलोड करते हैं। स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और डाउनलोड कर लिया, मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। तो हम अब इसे बूटेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास एक USB होनी चाहिए, जो कि मैंने USB लगा दी अपने लैपटॉप के अंदर ही। मैंने अपने लैपटॉप के अंदर USB लगा दी, मैं इसे चेक करूँगा, ये लग गई USB। अब मैं इसे ये सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, रिवीज सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके ऊपर क्लिक किया, इधर से ये मैंने सेलेक्ट की, ये देखें 7.8 मतलब कि 8 GB। इधर यही सिलेक्ट की NTFS और ये ऑटो सेलेक्ट हुई हुई है, इसमें कुछ नहीं चेंज करना हमने। इधर हमने रख दिया नेम Win7, इसे हम Win7 का नाम दे दिया, आप कोई भी नाम दे दें। इधर ये पास ये हम 1 पे क्लिक करते हैं, ये हमारे पास ISO एक DDE इमेज होता है, एक ISO, हम DDE ISO पे क्लिक करते हैं और जिधर हमने ISO डाउनलोड किया हुआ है वो उसको हम इधर चूज़ फाइल पे क्लिक करते हैं। और मैंने अपने F ड्राइव में सेव किया है तो F में जाता हूँ, इधर ये ISO, ये नहीं है, ये ISO इमेज, ये मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये Win7 64 bit, ये देखिए Win7 64 bit, इसको ओपन किया। ये देखें ये सिलेक्ट हो गई, ये देखें सेलेक्ट हो गई Win7 का हमने इसे नाम दिया था, इसको हम वापस करते हैं और इधर हम लिखते हैं Win7 64 bit। ये इसको हम स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपकी USB में कोई डेटा है तो आप इसे कॉपी करके कहीं और सेव कर लें, क्योंकि अगर हम इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर बूटेबल बनाने के ज़रिए हम अपनी USB को बूटेबल करते हैं तो वो सबसे पहले हमारे USB में डेटा डिलीट होगा, फिर उसके बाद ये नया डेटा उसमें भरेगा। तो इसके ओके पे बटन क्लिक किया और ये देखें प्रोसेस होना शुरू हो गया, ये फॉर्मेट होना शुरू हो गया, फॉर्मेट हो गई है। ये कॉपी होना शुरू हो गई, ये देखें आप, इसमें ये देखें ये आपके सेकंड चलना शुरू हो गए, कितने सेकंड में बनेगी। ये डी ड्राइव है हमारा, ये शुरू है कॉपी ISO फाइल्स, एक ISO फाइल्स कॉपी हो रही है। ये कुछ टाइम लगेगा इस वजह से मैं, ये तकरीबन 20 मिनट में होगा, इस वजह से मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अपडेट हो गया, मैं चेक करता हूँ USB को। ये मेरी 8 GB की USB थी, ये देखें 3.12
फ्री स्पेस है, बाकी इसमें वो बढ़ गई है विंडो, तो इसलिए बेटर है कि आप 7-8 GB की ही विंडो यूज़ करें। इसको मैं ओपन करता हूँ, ये कुछ फाइल्स हैं ये इसमें लोड हो गई। अगर आपका लैपटॉप डेल का है या आपका पीसी डेल का है तो आप F12 से बूट करवा सकते हैं और विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका लैपटॉप HP का है या फिर उसका है कंप्यूटर आपका HP का है तो आप F9 से बूट करवा सकते हैं। इसको लाजमी लाइक शेयर और कमेंट्स करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आई। तो सॉफ्टवेयर अगर आपने डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट www.sialkotihelper.ml से जाके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और ISO भी उधर से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको नेट से बाय करने पड़ते हैं लेकिन आपको उधर फ्री मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट। शुक्रिया।